चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन आज माँ के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सोलन जिले के प्रसिद्ध खुरबी माता मंदिर सहित माता शूलिनी के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त माँ के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान मंदिरों में भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। भक्तों ने बताया कि वो माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी की खुशहाली की दुआ मांग रहे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने माता रानी की पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ में भी भाग लिया और कंजक पूजन भी कर रहे हैं। नवमी हमने कंजकों को करके मनाई, कई तो वैसे अष्टमी पे कंजकों का कर लेते हैं, उधर पूजन कर लेते हैं, लेकिन हमने नवमी जो है आज कंजकों का पूजन करके मनाई। और माता शूलिनी की जो है सब पे बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत आशीर्वाद रहता है माता शूलिनी का, और सारे ही भक्तजनों पर बहुत अच्छी कृपा है माता शूलिनी की। मुझे शूलिनी माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। पूजा करी जाती है और हर्ष उल्लास से कीर्तन करे जाते हैं राम मंदिर में। जैसे आप देख सकते हैं इधर भी हर्ष उल्लास से किए जा रहे हैं, और इधर जो है ये जो होता है नवरात्रों का एंड होता है, समापन होता है नवरात्रों में थे, और उसके बाद हमने अष्टमी नवमी में पूजा कही जाती है कन्याओं की, और कन्या जो है घर में आकर पूजा उनको दिए जाते हैं, पूरिया हलवा छोले जो भी उनका होता है, जिस तरह से भी लोग करते हैं वैसे कर जाता है। आज नवमी की सारे सोलन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे नवमी का पर्व सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, आज हमने भी पूजा अर्चना की, कंज का पूजन किया और माता के दर्शन करने हम शूलिनी मंदिर आए हुए हैं, और यहाँ पे इतना उत्साह लोगों में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माँ शूलिनी से मनोकामना है कि सारे सोलन को खुशियाँ प्रदान करें और सारे सोलन पे अपनी कृपा बनाए रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।